प्रशासन के सद्बुद्धि की कामना के लिए जिला महिला ने कीचड़ में भरी थी दंडवत। उस पर अब भोपाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है। श्योपुर जिले के कराहल विकास खंड से आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर ने अब प्रदेश में खलबली मचा दी है। अब इस वीडियो पर सियासत गरमाई हुई है। जो सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी सरकार बताती है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी आदिवासी महिला की कीचड़ वाली वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोहन सरकार को घेर लिया है। वहीं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने भी इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर से मिलकर कराहल पंचायत प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को हटाने की बात कही है। वहीं जिस महिला जानकी बाई आदिवासी ने कीचड़ में दंडवत लगाई थी, वह कराहल की सुखा खारा आदिवासी बस्ती के रहने वाली है। आज के आधुनिक युग में भी बदतर हालातों में अपनी जिंदगी जी रही है। उसको सरकार की तरफ से ना तो कोई पक्का आवास मिला है और ना ही गैस चूल्हे का कनेक्शन मिला है। वह तो आज भी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ निवास कर रही है। इस बस्ती में ना तो कोई सड़क है और ना ही नालिया है और ना ही पक्का आवास। जानवरों से भी बदतर जिंदगी लोग जी रहे हैं। बदबू के बीच सांसें ले रहे हैं। 100 घरों की बस्ती है। हालांकि इस मामले में जनपद सीईओ अब दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जान की नहीं, मैं तो मंदिर पे जा रही थी, ऐसी गंदगी में ही पेड़ बनने तो पड़ेंगे। अपन तो हर साल पेड़ भरते है, चाहे गंदगी हुए चाहे कुछ भी हुए, ये तो शासन का ये पते है। जो मोहल्ले में क्या काम नहीं कर रहे, क्या काम नहीं देख रहे है। अब मैं तो हर साल जाती हूँ, चाहे वो गंदगी हुए चाहे कुछ भी हुए, मेरी तरफ से तो मुझे तो पेड़ बनने जरूरी है। गंदगी है, बहुत बरसों से गंदगी है वो मोहल्ले में तो है। हर बार ही शिकायत करते है सरपंच, सेक्रेटरी, सबकी कोई सुनवाई नहीं करे ये मोहल्ले की। हाँ जनपद में भी गए अधिकारी, इनके कोई सुनवाई नहीं करे। नहीं लगा, बेकार लगे, चल नहीं लगे। हमारा तो हमारे काम करने से बोए, हम तो भगवान के बाप है जाते हैं तो जाएंगे ही है। कोई रोक व्यवहार तो रही है, हमें गंदगी हुए चाहे कुछ भी हुए, वो तो प्रशासन का जो वो है कि जो मोहल्ले में कितनी गंदगी है, क्या है, क्या कर, क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, पानी की परेशानी के खा है। क्या कहती हो? कछु भी नहीं है, मकान भी नहीं है, जो झोंपड़ी में तुरे रहे हो मोहल्ले के, कोई पे एक भी आप वो नहीं है आवास, कछु भी हो है, कछु भी नहीं है, जो झोंपड़ी में तो रह सक। सूखा कार्य में कोई काम नहीं आ रहा है हमें तो। अब मैं कलेक्टर साहब के जाऊँ क्या, अब तो मिल में कलेक्टर साहब के जाऊँ क्या भाई, हमारे मोहल्ले में कछु काम भी नहीं है। दई प्रशासन से मैं भी तो लड़ंगू बिरोवर, क्या जो काम हमें चाहिए है क्यों नहीं दे रहे जो काम है तुम। एक बार तो फिर ऐसे कराल के बा मैं नहीं बाप बिस्टन पे कार्रवाई करवाऊ जा पाई। इन लोगों को शर्म नहीं आई, मैं ऐसे कीचड़ में पेड़ भर रही थी तो इनका नेक लाज तो आनी चाहिए कि भाई ले अपन जो आ जाइए बनवा दे। कीच में गारा में पेड़ दे रही है, खा जा रही है। मंदिर पर जा रही थी वो, मंदिर पे जा रही है ना, उसको कॉलोनी मिली ना, प्रशासक भी नहीं देख रहा है, जनपद सीओ भी नहीं देखता है कि जनपद सीओ जब कराल में रहता है तो क्या कर रहा है वो, उस जगह तो देखना चाहिए। नहीं शासन तो बहुत पैसा दे रही है, कोई कमी नहीं है शासन की तरफ से, तो हमारी जिला सीओ से कहना है मेरा कि खुद जा कर देखे आप रोड बनवा दो, कलेक्टर साहब से भी कहना है मेरा, उसकी जांच करके रोड बनाया जाए। आदिवासी बस्ती है और उनको आवास भी नहीं मिला। पीएम जनमन के आवास बांटे जा रहे हैं अभी केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, तब भी इस बस्ती में आवास नहीं आया 25-30 लोगों को। कोई कमी नहीं है आदिवासी, इनकी तो शासन ने छूट दी है कि एक तरफ से बनाओ आदिवासी इनके लिए, फिर कोई भी कमी नहीं। फिर भी यहाँ के लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं अधिकारी? ये अधिकारी जनपद सीओ की गलती है, रोजगार ने कहना चाहिए मीटिंग लेकर सेक्रेटरी है, जनपद सीओ की गलती है, जाँच करना चाहिए कराल में रह रहे हैं ये। सिस्टम तो ये जनपद सीओ वगैरह यही कर रही है ना, बोड़ी बैठती है जनपद की ना कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप राशि भी आती है शासन से, ये जनपद सीओ की पूरी गलती है। पंचायतों में बंदर बांट हो रहा है फिर भी काम नहीं किया जा रहा। नहीं तो कर्मचारी की गलती है, नहीं सीओ देखना चाहिए। नहीं भाई ये जनपद सीओ की पूरी पूरी गलती है, अगर जनपद सीओ ये काम नहीं हुआ 10-12 दिन में तो आप हटाया जाएगा, ये मेरा कहना है। वे तो हम आदमी है और सूखा खा रखे मोहल्ला के कीड़ा मकोड़ा में फेंक खाने, कोई सुनवाई नहीं है।
इतनी दुर्दशा है यहाँ की। सड़क है इस मोहल्ले में? हाँ सड़क है, ये पास में चंचल के पास। तुम्हारे मोहल्ले में सड़क है क्या? ये कोई सड़क नहीं है, ये वैसे ही तो नाली नालियाँ। हाँ नालिया नो डर गया, ये पेड़ भर में बारी देखी तो कैसे खच्चड़ में गई है घूटे घूटे में। तो क्या मतलब कहना चाहती है इस बार क्या करोगे आप? ये कहना चाहती है कि पूरी बाकर का तो ये फर्श होना चाहिए और नाली बंद नहीं चाहिए और आवास मिलनी चाहिए सूखा खारे मोहल्ला में पूरी इनको। अधिकारी कहते हैं हमने सबको आवास दे दिया। तो ये दिख रही है हमने छिपा ली है आवास है, कोई का दुल्हन में डल रही है, कट्टन में भर कर डल रही है हमने आवास। हाँ दुर्वेश हो रही है हमारी, कछु भी वो नहीं है हमारे मोहल्ला में, खेलाइयों में जा मैं कछु नहीं है। जन्मोती शहरान हुआ जो जन्म को शहरान हो बसो भाओ आंगनबाड़ी है थी मैं देखो कीचड़ मचरा हुआ है और देखो झोंपड़ी बन रही है, हम कहे मेरे कीचड़ मच रहा है घरन में। आंधो कोई नेता आया हो तो मैं बतलाऊं, नेता आया आंधो हम खाई में रहे खाई में कर खाई में रहे कीना सब की यहां पे चराई है हमरा जो भी नहीं हो रहा। एक सूखा खारा बस्ती की महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें जनमन के आवास का सर्वे उनका नहीं हुआ, क्या मामला है सर ये? देखिए शासन के निर्देश हैं कि जनमन के अंतर्गत जितने भी शहरिया परिवार हैं सभी को 100% आवाज देना है, उसमें कोई भी पात्र व्यक्ति ना छूटे। हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो लेकिन करहल का सर्वे पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही किस्तें वगैरह जारी हो जाएंगी, उसमें कोई भी पात्र व्यक्ति उसमें छोड़ा नहीं गया है। यानी इनका सर्वे हो चुका है सर? हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत ने इसका सर्वे अपलोड कर दिया है और हम इसका प्रमाणीकरण भी हर पंचायत से ले रहे हैं कि वहाँ कोई भी पात्र व्यक्ति अब शेष नहीं है। एक सर आप जो वीडियो देख रहे थे सर आपने भी देखा, वो महिला जो कीचड़ में दंडवत दे रही थी सर, क्या सर इस वीडियो पर कार्रवाई होगी सर? देखिए उस पर हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए पंचायत को निर्देश किया था उसमें और साफ सफाई के लिए तुरंत उसको हमने निर्देश दे दिए थे और भी इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उस उचित कार्रवाई की जाएगी।